नमस्कार, आपका स्वागत है न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया में। और आज हम बात करेंगे टीवी के सबसे बड़े शो अनुपमा के बारे में। अनुपमा शो जो देश भर में फिलहाल सभी की पहली पसंद बना हुआ है। आए दिन अनुपमा शो में कुछ ना कुछ नया होता रहता है। फिलहाल तो बड़े ही ड्रामे के बाद डिम्पी और टीटू की शादी हो गई है। शादी में टीटू की माँ के आने के बाद अनुपमा ने सब संभाल लिया और टीटू की शादी करा दी है। लेकिन अब अनुपमा के सामने है अनुपमा की खुद की मुसीबतें, इसको लेकर अनुपमा ने ले लिया है एक बहुत बड़ा फैसला। और इसी फैसले से आद्या है काफ़ी खुश, तो वहीं अनुज के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई है। शादी के बाद से ही टीटू और डिम्पी क्वालिटी टाइम स्पेंड करने को सोचते हैं, लेकिन बीच में अंश आ जाता है। टीटू अंश को अपने पास बुलाता है और उसके साथ खेलने लगता है। सुबह डिम्पी सोकर लेट उठती है, लेकिन डिम्पी को ये टेंशन होने लगती है कि क्या पता अंश स्कूल गया होगा या नहीं। तो वहीं टीटू अंश को बिल्कुल तैयार कर देता है स्कूल के लिए और उसके लिए नाश्ता भी बना देता है। वो उन दोनों की नज़र उतारती है और फिर रोने लगती है। टीटू डिम्पी को संभालता है और फिर सभी घर वालों के लिए नाश्ता भी बनाता है। टीटू के हाथ का नाश्ता खाकर सब बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन वनराज शाह चिढ़ जाता है। वहीं अंश से कहता है कि चलो अंश, मैं तुम्हें स्कूल छोड़ देता हूँ। हालांकि अंश अपने पापा के साथ स्कूल जाने के लिए जिद पकड़ लेता है। वनराज गुस्से में वहां से चला जाता है। तो वहीं उसके जाने के बाद बा सभी रिश्तेदारों के लिए मिठाई भेज देती हैं। बा और बीजी की इधर मस्ती चालू होती है, तो उधर होटल में आद्या और अनुज की बात हो जाती है। आद्या अनुज से कहती हैं कि अब मुझे अपने दोस्तों की याद आ रही है, इसीलिए मुझे अपने घर वापस जाना है। अनुज आद्या से कहता है कि वो आज ही वापसी की टिकट करवा देगा, जिससे वो जल्द से जल्द अपने घर वापस जा सके। अनुज के साथ साथ सुपरस्टार शेफ के जज भी शाह हाउस पहुंच जाते हैं। अनुपमा जज को देखकर हैरान रह जाएगी। जज अनुपमा को बताता है कि राहुल ने सबको सच बता दिया है और मिस्टर ढिल्लो को खिलाफ जल्द ही जांच चालू हो जाएगी। इसके बाद जज अनुपमा को उनकी ट्रॉफी वापस दे देते हैं। अनुपमा खुश हो जाती हैं और डांस करने लगती हैं। अनुपमा के साथ साथ अनुज भी खुशी से झूम उठते हैं। जज के जाने के बाद यशदीप अनुपमा को बताते हैं कि स्पाइस एंड चटनी दोबारा ओपन होने जा रहा है। अनुपमा यशदीप को अपनी ट्रॉफी देती हैं और अपना फैसला सुना देती हैं। अनुपमा बताती हैं कि अब वो अमेरिका वापस नहीं जाएंगी। अनुपमा के फैसले से यशदीप के पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। अनुज निराश हो जाएंगे और आद्या खुशी की तो कोई ठिकाना ही नहीं रहेगा। अब पता नहीं क्या होने वाला है अनुपमा की ज़िंदगी में। अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।